हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों। पिछली क्लास चल रही थी आपकी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, शुष्क सेल सेल से संबंधित सेल से संबंधित आपकी क्लास थी। और दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल प्रकाश प्राइवेट आईटीआई में महेंद्र आपको दिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे अपन वापस शुष्क सेल। शुष्क सेल के अंदर अपने डायग्राम बनाकर उसकी कार्यविधि पढ़ी थी, ये कैसे कार्य करता है। क्योंकि सेल क्या होता है, सेल के अंदर एक पढ़ाया पढ़ने कि शुष्क सेल जो आपका सेल था, क्या था सेल का जो पात्र था, वो पात्र किस धातु का बना होता है, कैथोड का। किसका बना होता है, कैथोड का। और दोस्तों जो कैथोड किसका कार्य करती है, ऋणात्मक। किसका कार्य करती है, ऋणात्मक का कार्य करती है। जो सेल है शुष्क सेल का आवरण किसका बना होता है, जस्ते का। किसका बना होता है दोस्तों, जस्ते का। और ये किस तरह कार्य करता है, जो सेल होता है, सेल की एक खूबी होती है, इसके अंदर आप इसको एक बार आवेशित करने के बाद में इसको एक बार उपयोग में लेने के बाद में पुनः चार्ज नहीं किया जाता है, इसलिए इसको शुष्क सेल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सेल का कार्य क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को तुरंत वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दे, वही क्या है सेल। सेल के अंदर दो भाग होंगे, एक तो ऋणात्मक होता है, दूसरा धनात्मक होता है। ऋणात्मक जो जस्ते का होता है वो ऋणात्मक का कार्य करता है। और सेल के अंदर एक छड़ होती है, वो छड़ होती है कार्बन की छड़ होती है, कार्बन ग्रेफाइट की छड़, जो एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, एनोड यानी कि धनात्मक का कार्य करती है। इस सेल के अंदर एक काला यानी कि चूर्ण भरा होता है, उसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। तो ये रासायनिक विधि के द्वारा, इसको रासायनिक विधि से आप विद्युत चार्ज करते हैं, विद्युत बनाते हैं, आवेश होता है, जिससे आप टॉर्च आदि, खिलौने, मोटर आदि के अंदर उपयोग में लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सेल का विद्युत वाहक बल, टॉपिक चल रहा था सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का ईएमएफ या विद्युत वाहक बल, लास्ट टॉपिक यही था अपना। कि एक गुलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का ईएमएफ कहलाता है। यानी कि ईएम बराबर डब्ल्यू बटा क्यों, यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि विद्युत वाहक बल बराबर सेल द्वारा किया गया कार्य अपॉन प्रवाहित आवेश
आवेश, तो यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो एग्जांपल परिभाषा कि एक गुलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल का किया गया कार्य, वही क्या कहलाता है? सेल का ईएमएफ। क्या कहलाता है? सेल का ईएमएफ। विद्युत वाहक बल को बोला जाता है दोस्तों, जो आपका विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल को ई के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? ई के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर सेल के द्वारा किया गया कार्य को दर्शाया गया है डब्लू के द्वारा। किसके द्वारा? डब्लू के द्वारा। और आवेश उसके अंदर प्रवाहित आवेश को दर्शाया गया है दोस्तों क्यू के द्वारा। किसके द्वारा? क्यू के द्वारा। तो समझ में आएगा आपको। अब इसके बाद में और आगे चलते हैं अपन विभवांतर। अगला टॉपिक है विभवांतर। दो विभवों के मध्य का अंतर, क्या? दो विभवों के मध्य का अंतर, वही क्या कहलाता है दोस्तों? विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। अब आपको पता होंगे कि विभवांतर यानी कि विभव क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। यानी कि जो अपनी पृथ्वी होती है, पृथ्वी यानी ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला होता है ऋणात्मक, नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे, आकाश से पृथ्वी की ओर आने वाला धनात्मक और पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने वाला ऋणात्मक। दो विभव होते हैं विभव। अब टॉपिक चल रहा था विभव, एक तो होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। विभव से बनता है विभवांतर। विभवांतर क्या बनता है? विभवांतर। दो विभवों का मध्य का अंतर यानी बीच का अंतर। दो विभवों के मध्य का बीच का अंतर, वही क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है दोस्तों? विभवांतर। यानी कि एक गुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं में, बिंदुओं के बीच, यानी कि दो बिंदु हो गए, एक तो पॉजिटिव सिरा, जो सेल होगा आपका, जो सेल उसके अंदर एक सिरा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो मैं जो हेडिंग बोलूंगा कि एक गुलाम आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में, एक गुलाम आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ले जाने का किया गया कार्य और उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, वही क्या कहलाता है? विभवांतर। इसकी इकाई यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ऋणात्मक विभव और धनात्मक विभव, दोनों के बीच का अंतर, वही क्या कहलाता है? विभवांतर। और विभवांतर की इकाई यानी मात्रा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। इसको वी के द्वारा भी दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? वी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो समझ में आएगा दोस्तों। और क्लास को थोड़ा सी और आगे बढ़ा देता हूं, जो आपको अच्छी तरह समझ में आए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? सेल के विद्युत अवबट्टे द्वारा, सेल के विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य द्वारा
विद्युत धारा के मार्ग में विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब आप जानते होंगे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, सभी जानते हैं। जो पिछले क्लास के अंदर आपके चित्र समझाया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध, आप सभी जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है। क्या कहता है? प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अब दोस्तों प्रतिरोध की परिभाषा एक तरीके से तो ये हो गई, या दूसरी तरीके से अपन बोलना चाहे कि किसी चालक का बस स्वाभाविक गुण जो उसमें से गुजरने वाली धारा का विरोध करता हो वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को दर्शाया जाता है आर के द्वारा। किसके द्वारा? आर के द्वारा। और इसका मात्रक यानी कि इकाई, मात्रक इकाई यूनिट, इसकी यूनिट होती है क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। तो टॉपिक चल रहा है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के विद्युत अवघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध वही क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि हम देखते हैं कि E बराबर विद्युत वाहक बल, V बराबर होता है विभवांतर, I बराबर होता है धारा। क्या होती है? धारा। और स्मॉल r बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। तो यानी कि दोस्तों टॉपिक चल रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि स्मॉल r बराबर E-V/I, जो फॉर्मूला बना है आपके पास में। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला विद्युत वाहक बल माइनस विभवांतर अपॉन में धारा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में सेल टॉपिक चल रहा है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। केवल अपन स्पेशल न कि बैटरी, बैटरी का पार्ट से अलग है, क्योंकि बैटरी होती है दो या दो से अधिक सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैटरी। तो बैटरी का टॉपिक ही अलग है, अपन चलेंगे केवल स्पेशल सेल पर। जब सेल का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं बैटरी ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दूंगा आपकी। और दोस्तों वीडियो के अंदर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, जिससे आपकी प्रॉपर जो सॉल्यूशन है या प्रॉब्लम है उसको मैं प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सेल टॉपिक चल रहा आपका सेल, तो एक तरफ तो मैं क्या लिखता हूं? सेल। दूसरी तरफ मैं लिखूंगा इसका विद्युत वाहक बल, और एक तरफ लिखूंगा विद्युत अवघट्य। क्या लिखूंगा? विद्युत अवघट्य। अवघट्य सेल का नाम, जो सेल की बात करेंगे अपन, सबसे पहले लेंगे अपन शुष्क सेल। क्या लेंगे? शुष्क सेल। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है दोस्तों? 1.2
46 वोल्ट, कितना होता है 1.46 वोल्ट, और इसके अंदर भरा होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, यानी कि इसके अंदर होता है NH4Cl। इसके बाद मिलेंगे अपन OltaCl, सेल वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक कितना होता है 1.08, और इसके अंदर भरा होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद में होता है लैग्रांजी सेल, लैग्रांजी सेल इसके अंदर भी क्या भरा, इसका विद्युत वाहक कितना होता है 1.46 वोल्ट, कितना होता है 1.46 वोल्ट, इसके अंदर भरा होता है NH4Cl। और एक और सेल बचा हुआ आपके पास में, उसका नाम है डेनियन सेल, इसका विद्युत वाहक होता है 1.08 वोल्ट, और इसके अंदर भी सल्फर अम्ल H तनु बंधक का यानी कि H2SO4। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है दोस्तों यहां से, शुष्क सेल का विद्युत अपघटन किसका बराबर होता है NH4Cl, किसका बराबर होता है NH4Cl, विद्युत शुष्क सेल का विद्युत वाहक होता है कितना होता है 1.46, कितना होता है 1.46। अगर अगला क्वेश्चन चेंज कर दिया आपसे, वोल्टिक सेल का विद्युत वाहक होता है, विद्युत वाहक कितना होता है 1.08, कितना होता है 1.08। वोल्टिक सेल के अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है, किसका भरा होता है H2SO4, किसका भरा होता है H2SO4। अगर अगला क्वेश्चन चेंज कर दे कि डेनियन सेल का विद्युत वाहक होता है, कितना होता है 1.08 वोल्ट, और इसके अंदर किस प्रकार का विद्युत अपघट्य यानी किस प्रकार का रासायनिक भरा होता है इसके अंदर H2SO4। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और इन क्वेश्चन का आंसर यहां से देना है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी के अंदर नोट करिए। आगे मैं क्लास को और आगे चलाता हूं या वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर ज्यादा समझेंगे तो दिक्कत होगी आपको, ज्यादा पढ़ेंगी तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे बस अपन, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक जरूर करना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।